हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे 3 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करके यहाँ पे हम 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले 3 मोबाइल ले रहे हैं, जो है Vivo का Z1 Pro, Vivo का U20 और Asus Zenfone Max Pro M1। यानी कि ये तीनों मोबाइल में आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। तीनों में ही Qualcomm के प्रोसेसर है, लेकिन अलग अलग जनरेशन के प्रोसेसर है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ कंप्लीट चार्जिंग भी करेंगे, स्पीड भी करेंगे, इंटरनेट स्पीड भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बेंचमार्क भी करेंगे, लगभग हर एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्योंकि सिर्फ डिस्चार्जिंग करके मोबाइल का बिहेवियर बताना पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई मोबाइल 5 दिन का बैटरी बैकअप देता है, लेकिन उसे चार्ज होने में 1 दिन लगता है, तो क्या उस मोबाइल का उतना यूज रहता है? लेकिन अगर कोई मोबाइल यहाँ पे 1 दिन का प्रॉपर बैटरी बैकअप देता है, लेकिन उसे चार्ज होने में 1 घंटा लगता है, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैटरी बैकअप के साथ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे तीनों के बेंचमार्क स्कोर की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3D ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहे थे बेंचमार्क टेस्ट के ड्यूरेशन में, वो सबसे अच्छी तरह रेंडर हो रहे थे Vivo के Z1 Pro में, जबकि उसके बाद U20 में हो रहे थे, और सबसे ज्यादा हमें लैगिंग फ्रेमिंग Asus Zenfone Max Pro M1 में देखने को मिल रही थी। तो कुछ इसी तरह का इनका प्रोसेसर का बिहेवियर है। हालांकि अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, तो 675 यानी स्नैपड्रैगन 675 स्नैपड्रैगन 712 के लगभग इक्वल माना जाता है, थोड़ा पावरफुल माना जाता है, यानी प्रोसेसिंग की बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे तीनों के बेंचमार्क स्कोर की बात करें, तो आप देख सकते हैं 216,000 के अप्रोक्स जा रहा है U20 का, 228,000 के अप्रोक्स जा रहा है Z1 Pro का, और 145,000 के अप्रोक्स जा रहा है Asus Zenfone Max Pro M1 का। तो अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर की स्पीड की बात करें, तो आप देख सकते हैं 89K जा रहा है CPU का बेंचमार्क स्कोर U20 का, 77K जा रहा है Z1 Pro का, और 65K जा रहा है Asus Zenfone Max Pro M1 का। और अगर GPU की बात करें, तो 36K गया है GPU का U20 का, 61K गया है Z1 Pro का, और 24K गया है Asus Zenfone Max Pro M1 का। तो यहाँ पे GPU के मामले में Z1 Pro यानी कि Snapdragon 712 काफ़ी आगे है, जबकि प्रोसेसिंग स्पीड में U20 आ गया है Snapdragon 675। तो कुछ इस तरह का डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ पे रियल टाइम में टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएं कि रियल टाइम में किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे डिवाइस दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट परफॉर्म किया, इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया। तो गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट की बात करें, तो हमने सबसे पहले PUBG ओपन किया। आप देख सकते हैं PUBG के लोडिंग टाइम में जो क्लियर विनर है, वो हर बार हमने जितने भी बार ये टेस्ट परफॉर्म किया, हर बार U20 ही रहा, जबकि सेकंड पोजीशन पे Z1 Pro और लास्ट पोजीशन पे Asus Zenfone Max Pro M1। इसके बाद हमने यहाँ पे फ्री फायर ओपन किया। अगर फ्री फायर के लोडिंग टाइम की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है Z1 Pro, सेकंड पोजीशन पे है U20, लास्ट पोजीशन पे Asus Zenfone Max Pro M1। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं था, बहुत माइनर डिफरेंस था फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में। इसके बाद हमने यहाँ पे कवर फायर ओपन किया, और अगर कवर फायर के लोडिंग टाइम की बात करें, तो जितने भी बार हमने कवर फायर वाला टेस्ट परफॉर्म किया, हर एक बार Asus Zenfone Max Pro M1 इसे पहले ओपन कर रहा था, सेकंड पोजीशन में था U20 और लास्ट पोजीशन में था Z1 Pro। इसके बाद अगर हम यहाँ पे Asphalt 8 की बात करें, तो Asphalt 8 भी एक हाई ग्राफिक्स गेम है, जिसे लोड लेने में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर इसके लोडिंग टाइम की बात करें, तो Asphalt 8 के लोडिंग टाइम में हमें एग्जैक्ट सिमिलर रिजल्ट मिला U20 और Z1 Pro का, जबकि लास्ट पोजीशन में है Asus Zenfone Max Pro M1। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, तो यहाँ पे हमें एक टाई की सिचुएशन देखने को मिल रही थी U20 और Z1 Pro के बीच में, यानी दोनों की स्पीड हमें बिल्कुल सिमिलर मिलती हुई नजर आ रही थी गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट में, जिसमें कुछ सिचुएशन में U20 विनर था, कुछ सिचुएशन में Z1 Pro विनर था। और Asus Zenfone Max Pro M1 वैसे भी ओल्ड हार्डवेयर है, उतना पावरफुल नहीं है, तो कुछ उसी तरह का रिस्पॉन्स ये देता हुआ नजर आया कंपैरिजन वाइज अदर टू। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा था स्पीड टेस्ट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मेजर करके आपको दिखा दें, तो इंटरनेट स्पीड मेजर करने के लिए हमने तीनों डिवाइसों में जियो की सिम लगाई, तीनों को सेम बैंड से कनेक्ट किया और सेम PCI से कनेक्ट किया, यानी कि फिजिकल सेल आइडेंटिटी सेम थी, तीनों सेम नेटवर्क से कनेक्ट होके सेम सेल आईडी से कनेक्ट होके ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे और सेम बैंड से कनेक्ट थे। हमने तीनों में एग्जैक्ट सिमिलर टाइम में टेस्ट परफॉर्म किया। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट देखने को मिला, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। हमें ऐसा लगा था कि U20 और Z1 Pro के बीच में टक्कर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Asus Zenfone Max Pro M1 थोड़े मार्जिन से दोनों को पछाड़ता हुआ नजर आया,
और ये टेस्ट हमने बहुत अलग अलग सिचुएशन में किया, यानी कि आप देख सकते हैं हमने स्टूडियो से बाहर लाके मोबाइल को टेस्ट किया जिससे कि हमें सेम PCI मिल जाए, सेम सिचुएशन मिल जाए। और जितने भी बार हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे हमें Asus ZenFone Max Prime 1 का ही स्पीड सबसे ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही थी, चाहे वो डाउनलोड की हो या फिर अपलोड की हो। यानी इनके बीच में जो डिफरेंस था वो ऐसा मेजर तो नहीं था, लेकिन माइनर डिफरेंस के साथ Asus फर्स्ट रैंक पर था, सेकंड पोजीशन पे था Z1 Pro और लास्ट पोजीशन में था U20। हमें कुछ इसी तरह का डिफरेंस देखने को मिला पूरे स्पीड टेस्ट के ड्यूरेशन में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें और गेमिंग में सबसे पहले पबजी की बात करें, तो यहाँ पे तीनों में ही आपको पबजी की सेम ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है HD विथ हाई, यानी कि मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग्स है HD विथ हाई तीनों में। हालांकि अगर हम स्मूथ के साथ आपको ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दें तो स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन आपको U20 और Z1 Pro में देखने को मिल जाता है, जबकि Asus ZenFone Max Pro M1 में आपको स्मूथ के साथ भी हाई का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे रेंडरिंग की बात करें या गेम प्ले की बात करें, तो गेम प्ले हमें तीनों में ही काफ़ी स्मूथ लगा। यानी कि Asus ZenFone Max Pro M1 में थोड़ी बहुत लैगिंग फ्रेमिंग होती है, लेकिन Z1 Pro और U20 में हमें लैगिंग फ्रेमिंग बिल्कुल भी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि जब एनिमीज आजू बाजू होते हैं, यानी प्लेयर्स आजू बाजू होते हैं, तो डेफिनेटली हर एक मोबाइल रेंडर करता है, तो उस सिचुएशन में आप कोई भी मोबाइल यूज़ करिए लैग होगा। लेकिन अदर देन प्लेयर्स वाली कंडीशन हमें दोनों डिवाइसों में कोई लैगिंग फ्रेमिंग का सामना नहीं करना पड़ा 100 से लेकर 0% बैटरी कैपेसिटी होने तक। और अगर हम यहाँ पे तीनों ही डिवाइस का कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें, यानी कि तीनों में किस तरह का बैटरी बैकअप हमें मिला, क्योंकि तीनों के प्रोसेसर अलग अलग हैं, टेक्नोलॉजी अलग अलग है जो अलग अलग तरह से पावर कंज्यूम करेगा सेम टास्क को परफॉर्म करने में। तो हमने तीनों को कंप्लीट चार्ज किया था, ब्राइटनेस लेवल फुल कर दी थी, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमने 4G वोल्टी सिम तीनों में ही लगाई थी और कंटिन्यूसली अलग अलग तरह के टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें कैमरा भी टेस्ट था, बेंचमार्क स्कोर, गेमिंग करी हमने, एस्फॉल्टेड काफी राउंड प्ले किया, काफी देर प्ले किया, जैसे कि आप देख सकते 1 आवर प्लस हमने यहाँ प्ले किया था एस्फॉल्टेड। उसके बाद मोबाइलों का टेम्परेचर जब मेजर करके देखा तो आप देख सकते हैं 26 डिग्री का टेम्परेचर मैक्सिमम डिवाइसों में जाता हुआ नजर आया, क्योंकि वेदर कंडीशन अभी काफी लो है तो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा है मोबाइलों का, और अभी हमें टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन भी नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन की बात करें, तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ है वो है Asus ZenFone Max Pro M1। 5 आवर 23 मिनट में Asus ZenFone Max Pro M1 कम्प्लीट डिस्चार्ज हो गया। हालांकि Asus ZenFone Max Pro M1 को यूज़ करते हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो थोड़ा बैटरी बैकअप उसका उसमें कम होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ इसी तरह का बैटरी बैकअप मिलता हुआ नजर आया जो टास्क हमने यहाँ परफॉर्म किया था। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन वाले मोबाइल की बात करें, यानी कि कौन सा मोबाइल यहाँ पे पहले डिस्चार्ज हो गया, तो जब हम नॉर्मल टास्क परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि बेंचमार्क टेस्ट कर रहे थे, कैमरा टेस्ट कर रहे थे या अदर टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तो U20 और Z1 Pro के बीच में कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा था बैटरी बैकअप में, यानी दोनों ही सिमिलर तरह से बैटरी कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने गेमिंग करना स्टार्ट करा, हमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होने लगा, और यहाँ पे जो डिवाइस पहले डिस्चार्ज हुआ है वो है U20। 6 आवर 7 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है U20 ने, जबकि इससे 46 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया है Z1 Pro ने, 6 आवर 53 मिनट का। यानी कि Vivo के Z1 Pro में हमें बैटरी बैकअप डेफिनेटली U20 से ज्यादा मिलता हुआ नजर आया, जब हमने अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म किए, खास तौर से जब हमने गेमिंग करने स्टार्ट करी, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होना चालू हुआ बैटरी बैकअप या फिर बैटरी कैपेसिटी। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंप्लीट चार्जिंग आपको कैलकुलेट करके दिखा दें तीनों ही डिवाइस की, तो U20 और Z1 Pro दोनों में ही आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाता है, और तीनों ही डिवाइस यहाँ पे माइक्रो बी पोर्ट के साथ आते हैं। तो यहाँ पे Z1 Pro और U20 दोनों ही सेम स्पीड से चार्ज हो रहे थे, और दोनों को कंप्लीट चार्ज होने में आइडियल कंडीशन में जो टाइम लग गया वो है 2 आवर 10 मिनट का। 2 आवर 10 मिनट के आसपास U20 और Z1 Pro कंप्लीट चार्ज हो गए, जबकि 2 आवर 40 मिनट के आसपास का टाइम ले लिया Asus ZenFone Max Pro M1 ने। तो देखा जाए तो यहाँ पे U20 और Z1 Pro के बीच में Z1 Pro का बैटरी बैकअप भी ज़्यादा अच्छा है, हालांकि चार्जिंग टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ओवरऑल बैटरी बैकअप के मामले में हमारे हिसाब से Z1 Pro विनर है। इसके साथ साथ स्पीड टेस्ट की बात करें तो वो एक टाई था, इंटरनेट स्पीड में Asus ZenFone Max Pro M1 विनर था। तो अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से तीनों में से सबसे अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World।